हेलो एवरीवन, आज हम लेड चैम्बर प्रोसेस की बात करेंगे कि लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर हम कैसे करते हैं, तो इसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस का वही प्रिंसिपल है जो लेबोरेटरी मेथड का होता है। लेबोरेटरी में हम H2SO4 का प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे, तो वहाँ पर हमको चार कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी। सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, हमको NO कैटलिस्ट चाहिए था और हमको H2O चाहिए था। तो इन चार कंपोनेंट की हेल्प से हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में भी हमको यही चार कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो जो हमारा SO2 है, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा वाटर वेपर है, ये हमारे NO कैटलिस्ट, ये हमारा कैटलिस्ट होता है NO। इस कैटलिस्ट की हेल्प से H2SO4 का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे। तो इन कंपोनेंट की हेल्प से हमने H2SO4 का फॉर्मेशन तो किया, लेकिन इस फॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमको दो मैकेनिज्म जो है वो सजेस्ट किए गए। पहला मैकेनिज्म जो है वो बर्जीलियस ने दिया और सेकंड मैकेनिज्म जो है वो डेवी एंड लुंजे ने दिया। तो आइए अब हम बर्जीलियस मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इन चार कंपोनेंट की हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, तो बर्जीलियस ने मैकेनिज्म दिया था। तो बर्जीलियस कहता है कि जो हमारा NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NO2 बनाता है। इक्वेशन को हम कर लेंगे बैलेंस। अब जो हमारी SO2 गैस है वो NO2 से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा और NO बनेगा। और ये जो SO3 बना है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाएगा। तो ये हमारा बर्जीलियस मैकेनिज्म हो गया। बर्जीलियस कहता है कि जो आपका NO गैस है यूज हुआ और हमको दोबारा से मिल गया, मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमारा बर्जीलियस मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा मैकेनिज्म है जो कि डेवी एंड लुंजे ने दिया था। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो हमारे चार कंपोनेंट हैं इससे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डेवी एंड लुंजे कहते हैं कि जो हमारा NO है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा। अब ये जो हमारा NO और NO2 ये दोनों मिलके जो है N2O3 बनाते हैं। अब ये जो N2O3 बनता है वो क्या होता है, वो SO2 H2O O2 से रिएक्ट करता है। तो ये चारों जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो बन क्या रहा है, HSO4NO, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो हमारा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बना। अब ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बना, इसको जो है हम बैलेंस कर लेते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा HSO4NO, ये वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनेगा और क्या बनेगा, NO बनेगा और क्या बनेगा, NO2 बनेगा। तो NO और NO2 जो है वो हमको फिर से मिल जाते हैं। तो ये H2SO4 का फॉर्मेशन जो है वो ऐसे हो जाता है। ये जो हमारा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देखो ये कैसे एनालाइज होता है, SO4 तो यहाँ -2 में है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव में है, बिल्कुल है। तो जो आपका NO है वो कैसा होगा, वो कैटायन होगा। तो ऐसे हमारे नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
और इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो ये हमारा डेबी एंड लुंजे का मैकेनिज्म हो गया। तो अब हम लेड चैम्बर की वर्किंग देख लेते हैं। तो लेड चैम्बर की वर्किंग जो है इन 7 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पायरेट और सल्फर बर्नर। तो पायरेट बर्नर या सल्फर बर्नर के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमको चार कंपोनेंट चाहिए होते हैं, NO, O2, SO2 एंड H2O। तो SO2 गैस जो है वो हमने बना दी। नाइटर पॉट में क्या होता है, यहां पे हम NO का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो भाई, हमने NO बना लिया, SO2 बना लिया। ग्लोबल टाबर में होता क्या है, तो ग्लोबल टाबर में लेड चैम्बर और गैलोसिक टावर की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब वो एक्टिविटी होती क्या है, तो लेड चैम्बर में हम NO से NO2 बनाते हैं, NO2 SO2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। और ये 65 से 70% तक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ग्लोबल टावर में ये जो एसिड है उसको हम 80% H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं। एक तो ग्लोबल टावर में ये एक्टिविटी होगी, दूसरी एक्टिविटी ये जो गैलोसिक टावर है यहाँ पे हम नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो हमारा नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ग्लोबल टावर में पहुंच के डीनाइट्रेटेड हो जाता है, मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 6 नंबर है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है, यहाँ पे NO, NO2, लेड चैम्बर है तो लेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाता है, तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव जो है किया जाता है। फिर 7th स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल टावर एसिड। तो ग्लोबल टावर में जो 80% H2SO4 बना था, तो 80% H2SO4 को हम यहाँ पे 95% H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप जो है वो कैसे कंप्लीट होंगे, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेड चैम्बर प्रोसेस का जो हमारा पहला स्टेप है पाइराइट और सल्फर बर्नर, तो इसमें होना क्या है, इसमें हमें SO2 जो है वो प्रिपेयर करना है। तो SO2 का प्रिपरेशन होता कैसे है, तो देखो जरा, जो हमारा आयरन पाइराइटिस है Fe2, ये ऑक्सीजन बर्न होगा तो क्या होगा, Fe2O3 और SO2 बनेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा आयरन, सल्फर 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो 22 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 11O2 हो जाएगा। तो पाइराइट बर्नर में होता क्या है, जो हमारा आयरन पाइराइट है, तो ये हमारा आयरन पाइराइट है, ये बर्न होता है, आयरन ऑक्साइड देगा, फेरिक ऑक्साइड देगा और SO2 गैस देगा, तो हमें यहाँ SO2 तो बनाना है। अब देखो जरा, अगर सल्फर बर्नर होता तो वो बर्न होके क्या देता, SO2 गैस देता। तो पायरेट बर्नर या सल्फर बर्नर में हम क्या करते हैं, SO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ नहीं करते। फिर हमारी सेकेंड मेथड है नाइटर पॉट। इस पॉट में हम NO कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दो स्टेप में किया जाता है, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट को लेके, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो ये KHSO4 बन रहा है और HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। ये नाइट्रिक एसिड SO2 से रिएक्ट करके SO3 बनाएगा, NO बनेगा, NO2 बनेगा और H2O बनेगा। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये NO का फॉर्मेशन हो गया। आजकल इस मेथड के थ्रू NO का फॉर्मेशन नहीं किया जाता, अलग मेथड हम यूज करते हैं, अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन प्लेटिनम कैटलिस्ट में होती है,
तो हमारा एनओ बनता है और हमारा एच टू बनेगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा। होल नंबर मिलाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। जो आपका NO है ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो NO2 बन जाएगा। इक्वेशन को कर लो बैलेंस, क्यों? क्योंकि जो हमारा NO2 है वही तो SO2 को क्या करता है, SO3 में कन्वर्ट करता है, और ये SO3 वाटर से कंबाइन होके H2SO4 बनाता है, इसलिए यहाँ पे NO2 हमने बनाया हुआ है। तो ये हमारे नाइट्रिक पॉट की एक्टिविटी होगी। फिर इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आएगा, ग्लोबर स्टॉपर। तो इस ग्लोबर स्टॉपर में होता क्या है, तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। पहली एक्टिविटी में क्या होता है, जो नाइट्रिक पॉट की गैसें हैं वो ग्लोबर टावर के अंदर आती हैं। तो नाइट्रिक पॉट की गैसें कौन कौन सी होती हैं, SO2, O2, NO, NO2। ये गैसें जो है यहाँ पे आएंगी, O2 मतलब एयर से है, एयर की ऑक्सीजन यहाँ आएंगी। इस ग्लोबर टावर के ऊपर आप ये दो छोटे टावर देख रहे हो, इस वाले टावर के अंदर लेड चैम्बर से बना हुआ डाइल्यूट H2SO4 आता है। तो लेड चैम्बर आपका ये है, तो इस चैम्बर का डाइल्यूट H2SO4 जो है आपको कहां भेजना है, यहां इस वाले टावर में, और इस वाले टावर में गिलोसिक टावर में बना नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आता है। इसको हम नाइट्रोसो हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस टावर का बना हुआ कहां जाएगा, यहां आएगा। अब होता क्या है, तो ग्लोबल टावर में ये जो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2SO4 में कन्वर्ट होगा, और ये जो लेड चैम्बर का डाइल्यूट H2SO4 है ये अप्रोक्स 65-70% होता है। तो यहाँ पे ये 80% सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ग्लोबल टावर में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ग्लोबल टावर के अंदर एक फोर्थ एक्टिविटी भी होती है जो कि बहुत थोड़ी होती है। यहाँ पे SO2 जो है थोड़ी सी अमाउंट में H2SO4 में कन्वर्ट होती है। तो फोर्थ एक्टिविटी जो है वो ग्लोबल टावर की ये भी होती है एक। फिर क्या होगा, जो रेसिडुअल गैसेस हैं, तो रेसिडुअल गैसेस तो सभी हैं SO2, एयर की ऑक्सीजन, NO, NO2, ये सारी की सारी जो है वो कहाँ भेजी जाएंगी, लेड चैम्बर में भेजी जाएंगे, भेजाएंगे लेड चैम्बर के ऊपर से ये वाटर आ रहा है, ये सब क्या करके रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 बनेगा। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद हमारा गिलोसिक चैम्बर आता है। तो यहाँ पे जो रेसिडुअल गैसेस हैं, लेड चैम्बर की रेसिडुअल गैसेस जो है वो कहाँ भेजी जा रही हैं, गिलोसिक चैम्बर में भेजी जा रही हैं, और गिलोसिक चैम्बर में ये जो ग्लोबल टावर का बना H2SO4 है वो भी ऊपर से टपक रहा है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, ये सब का सब ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NOHSO4, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड हम कहाँ भेज रहे हैं, इस वाले चैम्बर में। तो इस वाले चैम्बर में नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड फिर से H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे तो H2SO4 जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 80% H2SO4 बनता है। अगर आपको 95% H2SO4 चाहिए तो इस H2SO4 का और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो फिर हमको 95% का H2SO4 मिल जाएगा। लेकिन ग्लोबल टावर में आपको 80% H2SO4 ही मिलेगा। जब आप इस एसिड को कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर में ले जाओगे तो वहाँ पे आपको 95% का H2SO4 मिल जाएगा। तो ये तो हमारे सारे चैम्बर की ब्रीफ एक्टिविटी हो गई। अब इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है वो देखना है।
तो अब ग्लोबल टावर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और उनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगी? तो ग्लोबल टावर के अंदर पहली एक्टिविटी होती है जो हमारे नाइट्रेट पॉट से आने वाली गैसेस होती हैं, आपकी चाहे NO हो, NO2 हो, एयर की ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये चारों की चारों गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये कूल डाउन होती हैं। दूसरा एक्टिविटी क्या होता है, जो लेड चैम्बर का H2SO4 है ये अप्रॉक्स 65-70% का होता है, तो ये क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है अप्रॉक्स 80%। ठीक है, तो क्या होता है यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, थर्ड एक्टिविटी क्या है, जो आपका गिलेसिक टावर का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड था NO HSO4, ये क्या होता है वाटर के कांटेक्ट में आके क्या बनाता है H2SO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा NO बनाएगा, और क्या बनाएगा NO2 बनाएगा, इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे। और फोर्थ एक्टिविटी क्या है, जो SO2 होता है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में क्या होता है H2SO4 में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, जो आपका SO2 है NO2 उसको SO3 में कन्वर्ट करेगा और NO बनेगा, SO3 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना देगा। तो ये चार एक्टिविटी जो है वो ग्लोबल टावर में परफॉर्म होती है। फिर इसके बाद फोर्थ है हमारा, यहाँ पे हम लेड चैम्बर की एक्टिविटी देखेंगे। तो लेड चैम्बर में होता क्या है, तो जो आपकी ग्लोबल टावर की गैसेस हैं वो क्या थी, वो NO थी, वो NO2 थी, वो SO2 थी और वो एयर की ऑक्सीजन थी। तो ये चारों गैसेस जो है वो इस चैम्बर में आती हैं और इस चैम्बर के ऊपर से स्टीम जो है वो पास की जाती है। तो क्या होता है, जो आपका SO2 है वो NO2 से रिएक्ट करता है तो SO3 बनता है और क्या बनेगा NO बनेगा, जो आपका SO3 है वो स्टीम जो चैम्बर के ऊपर से पास की जाती है क्या बनेगा H2SO4 बनेगा। और ये कैसा होता है, ये अप्रोक्स 65-70% का कॉन्सेंट्रेट रहता है। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आएगा गैलोसिक टावर। इस टावर में होता क्या है, तो इस टावर में जो लेड चैम्बर की गैसेस होती हैं यहां पे मेनली एयर होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 होते हैं। SO2 तो यूज हो गई, उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। और जो आपका ग्लोबल टावर है उसका H2SO4 कितना 65-70% कॉन्सेंट्रेट है। ये दोनों आते हैं, होता क्या है यहां पे, H2SO4 जो है वो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं NO और NO2 इनको एब्सॉर्ब कर लेता है, क्या बनाता है NO HSO4 बनाता है और वाटर बनेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे तो ये हमारा बना नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। अब ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बना, अब इसको हमें कहां भेजना है, ग्लोबल टावर में भेजना है। तो ग्लोबल टावर में होता क्या है, तो देखो जरा ग्लोबल टावर की रिएक्शन जो हम पहले बता चुके उसको रिपीट कर देते हैं। वहां पे NO HSO4 ये वाटर से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा H2SO4 बनेगा, NO बनेगा और
NO2 बनेगा। तो ग्लोबल टावर में ये रिएक्शन आप देख रहे हो जस्ट रिवर्स हो रही है ना, बिल्कुल रिवर्स हो गई रिएक्शन। क्या हमको फायदा क्या हुआ कि ग्लोबल टावर का हमने H2SO4 भेजा, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया और नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड को फिर से हम ग्लोबल टावर में भेज रहे हैं और वो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। तो यहां पे जो आपका गैलोसिक टावर है, इस टावर में ये गैस तो हमारी क्या हो गई, एब्सॉर्ब हो गई, क्योंकि ये तो हमारे लिए यूजफुल है, और जो गैसें अनयूजफुल हैं, अनवांटेड हैं, वो क्या होता है गैलोसिक चैम्बर से वो गैसें बाहर निकालती जाती हैं। बस गैलोसिक चैम्बर का यही काम है कि जो वेस्ट गैसेस हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारी गैलोसिक चैम्बर की एक्टिविटी हो गई। इसके बाद जो हमारा सिक्स स्टेप है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, तो हमें H2SO4 की जो इम्प्योरिटीज है उसको हमें रिमूव करना है। तो H2SO4 में इम्प्योरिटीज जो है वो आती कहाँ से हैं, तो देखो जरा H2SO4 की जो पहली इम्प्योरिटीज है आर्सेनिक ऑक्साइड, ये कहाँ से आती है, ये फ्रॉम FeS2, जो आपका आयरन पायरेटिस ओर होता है उसमें ये इम्प्योरिटीज होती है। तो H2SO4 में एक तो ये इम्प्योरिटीज होती है, दूसरी इम्प्योरिटीज जो है वो है लेड सल्फेट की। तो ये कहां से आती है, जो हमारा लेड चैम्बर होता है तो उसका लेड जो है वो H2SO4 से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है। तो ये कहां पे होता है, ये लेड चैम्बर में होता है। और तीसरी इम्प्योरिटीज जो है वो NO और NO2 ऑक्साइड के कारण होती है। तो अब हमें H2SO4 से ये ऑक्साइड जो है इनको भी रिमूव करना होता है। तो अब ये तीन इम्प्योरिटीज जो है वो हम कैसे रिमूव करते हैं, तो सपोज कि ये हमारा एक टैंकर है और इस टैंकर में H2SO4 भरा हुआ है, क्या है H2SO4, और ये कैसा है, ये इम्प्योर है। यहाँ पे तीनों इम्प्योरिटीज जो है वो इस H2SO4 में प्रेजेंट है, तो हमें ये इम्प्योरिटीज अलग करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इस H2SO4 में H2S गैस जो है वो पास करा देंगे। तो होगा क्या, जो इम्प्योरिटीज है AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड की वो H2S से कंबाइन होगी, क्या बनाएगा, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा और H2O बनेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो पहली इम्प्योरिटीज हमने ऐसे रिमूव कर दी, अब हम सेकेंड इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। इम्प्योरिटीज किसकी है, लेड सल्फेट की है। तो आपको क्या करना है, ये जो इम्प्योर H2SO4 है इसको आप डाइल्यूट कर दो, मतलब इसमें वाटर डाल दोगे तो ये डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो जो हमारा लेड सल्फेट होता है वो क्या होता है, वो तो प्रेसिपिटेट होता है, ये तो प्रेसिपिटेट होता है, तो आप इसको फिल्टर कर लो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड करोगे तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाती है। थर्ड इम्प्योरिटीज किसकी है, NO, NO2 के ऑक्साइड की है। अब हमें थर्ड इम्प्योरिटीज रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इस H2SO4 में अमोनियम सल्फेट जो है वो डाल देंगे। तो रिएक्शन कैसे होती है, तो जो आपका अमोनियम सल्फेट है वो NO और NO2 के ऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है, क्या बनाएगा, N2 और H2SO4 और H2. इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये तीनों इम्प्योरिटीज जो है वो H2SO4 से अलग कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सेवेंथ स्टेप आएगा, कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर। तो इस कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर में होता क्या है, तो जो हमारा ग्लोबल टावर का H2SO4 है वो अप्रॉक्स 80% तक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है इस चैम्बर में, तो हमको 95% H2SO4 जो है वो मिल जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर जो वाटर होगा उसको क्या किया जाएगा, वो एवोपरेट किया जाएगा, तो ये 95% H2SO4 बन जाएगा। तो ये वाटर का एवोपरेशन करना कैसे है, तो जब इसमें हम ड्राई गैसेस जो है वो पास करते हैं, तो ड्राई गैसेस पास की जाती हैं
तो ये हमारा 80% से 95% वाला H2SO4 बन जाता है। और ये ट्राई गैसेस कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो H2SO4 से रिएक्ट ना करें। अगर H2SO4 से गैसेस रिएक्ट कर गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको ऐसी गैस पास करना है जो H2SO4 से रिएक्ट ना करे, जैसे कि एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसका H2SO4 से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हम ऐसी गैस पास करते हैं जो H2SO4 से रिएक्ट ना करती हूँ। तो हमारा 80% वाला H2SO4 है वो 95% वाला H2SO4 बन जाएगा। जो हमारा 80% वाला H2SO4 होता है उसको हम बोलते हैं BOB, मतलब ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्यों? क्योंकि ये एसिड जो है वो ब्राउन कलर का होता है। जो हमारा 95% वाला H2SO4 होता है उसको हम ROV के नाम से जानते हैं। ROV का मतलब होता है रेक्टिफाइड ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।